हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशूज बेबी केयर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर कब से देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, मतलब कितने महीने के बच्चे को या कितने साल के बच्चे को कितना ग्राइप वाटर देना सही है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ग्राइप वाटर क्या करता है कि अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द है, गैस है, अपच की दिक्कत हो रही है, खाना ठीक तरीके से नहीं पच रहा है, या फिर बच्चे आपका ब्रेस्ट फीड करता है तो वो बार बार उल्टी कर देता है, दही जैसा निकाल देता है, या डायरेक्ट पूरा दूध का दूध निकाल रहा है बार बार, तो आप इस प्रॉब्लम से बच्चे को सेफ रखने के लिए ग्राइप वाटर दे सकते हैं। ग्राइप वाटर में क्या होता है फ्रेंड्स, कि सर्जा झार होता है जो कि बच्चे के डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, मतलब जो भी बच्चा खाता है या दूध पीता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ ही ग्राइप वाटर में सोया ऑयल होता है जो कि बच्चे को हिचकी, इसके साथ ही दस्त या कब्ज की प्रॉब्लम से बचाता है। ग्राइप वाटर में थोड़ी सी चीनी भी होती है जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। अब बात करते हैं कि बच्चे को ग्राइप वाटर कब देना चाहिए। तो जब आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बच्चा छोटा है तो ठीक से फीड नहीं कर रहा है, और अगर 6 महीने से बच्चा बड़ा है तो कुछ खा पी नहीं रहा है, तब बच्चे को आप ग्राइप वाटर दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे को गैस ज्यादा होती है तो आप इस सिचुएशन में भी बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हों और आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तब आप बच्चे को ग्राइप वाटर देना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस एज के बच्चे को कितना ग्राइप वाटर देना सही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्यूबॉर्न बेबी से। तो न्यूबॉर्न बेबी को आप आधा चम्मच मतलब 2.5 ml के करीब दे सकते हैं दिन में 3 बार। अब बात करते हैं 1 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को। तो 1 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को आप 5 ml मतलब कि 1 चम्मच तक बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकते हैं दिन में 3 बार। अब अगर आपका बच्चा 7 महीने से 12 महीने तक का है तो आप अपने बच्चे को 10 ml मतलब कि 2 चम्मच ग्राइप वाटर दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से 2 साल तक का है तो आप अपने बच्चे को 15 ml यानी कि 3 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब जब भी बच्चे को ग्राइप वाटर दे रहे हैं तो अच्छे से उसको बॉटल को शेक कर लीजिएगा, अच्छे से हिला लीजिएगा, उसके बाद ही बच्चे को ग्राइप वाटर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, पता चल गया होगा कि बच्चे को ग्राइप वाटर दे या ना दे, या किस प्रॉब्लम में बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपकी फैमिली में भी और छोटे बच्चे हैं तो उनकी मम्मी को भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।